हेलो दोस्तों, आज मैं निफ्टी के ऊपर एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाना चाहता हूँ। वो ये है दोस्तों कि आज के डेट में निफ्टी देख सकते हैं बहुत अच्छा जो है बाउंस बैक मारा है। यहाँ पर 8,500 के आसपास इसने लोएस्ट बनाया था, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 को टच कर दिया दोस्तों, 10,100 तक चला गया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, निफ्टी दोस्तों जिस दिन बॉटम बना दिया उसके बाद से आप ख़रीदारी करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको अच्छा से अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा, प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हो दोस्तों एक बहुत अच्छा जो है, लेकिन ये मैं बोलूँगा दोस्तों ये शॉर्ट रिकवरी है, ठीक है। ये आपको पूरा ज्यादा ये आपको ये नहीं इंडिकेट करता है कि आपको मार्केट सुधरते हुए दिखाई दे रहा है। अभी भी मार्केट बहुत ज्यादा जो है निचले स्तर पे गिरा हुआ है। मार्केट बहुत ज्यादा देखिए, जाए यहां पर मार्केट था दोस्तों अराउंड 12,500 के आसपास था, लेकिन उसके बाद यहां पर देख सकते हैं दोस्तों इसने इतना लंबा गिरावट किया और अब भी इसने थोड़ा ही जो है रिकवरी किया, और ये भी हो सकता है कि मार्केट अभी और गिर सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, जब भी मार्केट अगर बॉटम बना लेता है दोस्तों कहीं पर भी, यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर बॉटम बनाया है, और बॉटम बनाता है तो बहुत धीरे धीरे बनाता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद जब ये वी शेप लेके बाउंस बैक लेता है ना, तो यहाँ पर देखिए मौका नहीं देता। और यही अपॉर्चुनिटी को देखिए, यहाँ से इतना दूर तक हमें इसी चीज़ को जो है फोकस करना है ताकि हमें अच्छे से अच्छे हम प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं दोस्तों इस जगह पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मार्केट जिस तरह से अप ट्रेंड में जाएगा, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट जितना ज्यादा गिर रहा है उतना आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न देने का भी कोशिश करेगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देना होगा। तो ये था दोस्तों एग्जाम्पल, और मैं आपको अभी रियल दिखाता हूं। तो ये है दोस्तों निफ्टी का रियलिटी आपके सामने, यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको एक बार 2008 मतलब दोस्तों 2008 को बहुत मतलब कि ऐतिहासिक डे माना जाता है, क्योंकि उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा अराउंड 70% मार्केट गिर चुका था और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ था। ये देख लीजिए दोस्तों, ये स्टॉक में आप सॉरी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बॉटम कहाँ पर बनाया था। देखिए स्टॉक मार्केट यहाँ चल रहा था, लेकिन दोस्तों गिरते 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 कहाँ गया, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो जैसे बाउंस बैक मारना स्टार्ट किया दोस्तों, ये बहुत अच्छा अपर सर्किट गया और फिर से देखिए एक डाउन जोन दिया, कहां से जहां पर इसने हाईएस्ट बनाया था वहां पर एक बार लड़खड़ाया, और लड़खड़ाने के बाद दोस्तों इसने फिर से देखिए दोबारा बाउंस बैक लिया, तो अब जाके बहुत अच्छा रिटर्न दिया। और एक चीज मैं आपको यहां पर फोकस करने वाली बात है, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, जब मार्केट गिरता है तो रेड कैंडल बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों रेड कैंडल बहुत ज़्यादा, देखिए रेड है, ग्रीन है, रेड है, ग्रीन है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि यहां पर देखिए बहुत ज्यादा यहां पर शॉर्ट रिकवरिंग हुई थी यहाँ पर, ठीक है। बहुत जगह में यहाँ पर शॉर्ट रिकवरिंग देखने को देखी जा रही थी। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गया था दोस्तों 4,000 के आसपास, 4,000 से यहाँ पर चला गया था देख लीजिए दोस्तों 4,750, इतना अच्छा इसमें जो है अपर सर्किट देखने को मिला था। लेकिन फाइनली दोस्तों और भी मार्केट डाउन गया था, 2008 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो आपको शॉर्ट रिकवरिंग देखने को मिल रही है मार्केट में, हो सकता है कि हमारे यहाँ जो 2010 ये देख सकते हैं दोस्तों 2020 में जो आपको यहाँ पर दिखा जा रहा, तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि एक शॉर्ट रिकवरी हो जिसमें आपको फंसाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो मार्केट में आपको पॉजिटिविटी दिखी है, ये कुछ अच्छे न्यूज़ की वजह से देखा गया है। कुछ बहुत लोग ऐसे भी न्यूज़ बता रहे हैं कि दोस्तों कोरोना वायरस का वैक्सीन बन चुका है, मेडिसिन बन चुका है, और बहुत जगह में देख लीजिए ट्रंप मतलब बहुत अमेरिका या कहीं पर भी सऊदी अरब जैसे बाहर बाहर देशों में क्या किया जा रहा है दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हुआ जा रहा है, और दोस्तों उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है और चाहती है गवर्नमेंट की किसी तरह इसको जो है हल किया जाए, क्योंकि ये दोस्तों कोरोना वायरस जो है वो इंसानों के साथ खेल रहा है। जब हमारी दुनिया में इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर किस चीज़ की महत्व रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मार्केट में ख़रीदारी करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी पूछेंगे कि कब तक वेट करना चाहिए, मैं बोलूँगा ये लास्ट मंथ है दोस्तों, मार्च जाने दो, हिसाब से जाने दो, जितना भी जाएगा जाने दो, आपको जब टाइम मिलेगा बाद में आप खरीदारी कीजिएगा, अभी मार्केट का बॉटम बन जाने दीजिए। ये देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा बॉटम दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपके सामने ये जो बॉटम है ये देख लीजिए, मार्केट जब डाउनफॉल होता है, देखिए मैं इंटरनेट से जानकारी लेके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जब मार्केट जब दोस्तों डाउनफॉल में आता है तो बहुत जगह यहाँ पर देख लीजिए आपको थोड़ा बहुत अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए ये जो है दोस्तों, फिर यहाँ से देख लीजिए, लेकिन फाइनली जो है दोस्तों मार्केट यहाँ पर डाउनफॉल बनाता है, और बनाने के बाद दोस्तों ये जो बॉटम बनाता है, बॉटम बनाने के बाद देख लीजिए मार्केट बहुत अच्छा रिकवरी लेता है, ठीक है।
तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो मार्केट ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों में रिकवरी ले रहा है, इसके ऊपर जो है आप मत जाइए, नहीं तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। मार्केट अभी बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ की वजह से चल रहा है। हाँ, मैं ये बोलूँगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत चीपर रेट में मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊँगा 5 रुपीज़ वाले स्टॉक, 10 रुपीज़ वाले स्टॉक, और दोस्तों कुछ तो ऐसे भी जो 300 का स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लो। मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन मार्केट चलना स्टार्ट हो गया ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस बहुत अच्छा जो है आपको मतलब प्रॉफिट निकाल के देगा, क्योंकि दोस्तों वो 400 का स्टॉक 180 रुपीज़ पे आके अटका था और उसने बहुत अच्छा बाउंस बैक भी दिया। जैसे ही मार्केट में आपको आज के डेट में मान लीजिए 1000% 1000 पॉइंट की अपर सर्किट या रिकवरी देखने को मिली तो। और कुछ लोग ये भी पूछना चाहते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो और कितना नीचे जा सकता है, मतलब इसका बॉटम अगर बनाता है तो कितने नीचे वाले लेवल पे ये बॉटम बना सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 7500 से लेकर ये दोस्तों 8000 तक, मतलब इसी के रेंज में जो है, 7000 से 8000 के रेंज में ये अपना बॉटम बना सकता है। इसीलिए अभी डर है कि मार्केट और न गिर जाए जिससे लोगों को और नुकसान हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मार्केट का बॉटम ये है तो अभी हमें वेट करना चाहिए, ख़रीदारी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में और भी अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिससे मार्केट को नुकसान पहुँचेगा, तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों 7000 to 8000 के बीच में ये अपना बॉटम बनाएगा, ठीक है। और ये लगता है यही मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा मार्च का महीना में आपको वेट करना है। यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल मत कीजिए, चाहे आपको कितना भी शॉर्ट रिकवरी देखने को मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट रिकवरी कितना भी देखने को मिलेगा, आप खरीदारी मत कीजिए। आपको इस रेंज में आपको अच्छा से अच्छा जो है मौका मिलेगा 8000 to 7000 के आसपास, तब तक आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, आप खरीद सकते हो, लेकिन बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, ठीक है। तो ये वीडियो था दोस्तों इन्फॉर्मेशनल बेस पे, क्योंकि आज निफ्टी ने बहुत अच्छा जो है जंप मारा है, तो मैं बोलूँगा इस टाइम में आप वेट कीजिए ताकि आपको और अच्छे प्राइस पे स्टॉक मिल सके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं ऐसे ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जो छोटे छोटे स्टॉक हैं और आपको बड़ा बड़ा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसे स्टॉक हैं जो अंडर वैल्यूड से भी नीचे जा चुके हैं, तो उनको तो आँख बंद करके खरीदना है भाई, सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।